मैं हूं डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक सीआरटी छत्तीसगढ़ से हूं। और फिर मैं तुहर मन के बीच में आ गए हूं पाठ पढ़ाए बर, काबर की हाना पाठ मोर आधा हो रही से है ना, और आधा मैं मोला बंद करे लगी से। ठीक है, तो आधा पाठ ला मन पढ़वो। लेकिन वो हमने देखे रहे नौ दिन की हाना काला कथे, हाना लोकोक्ति ला कहे जाते। ओकल ओला कोई कोई मन भांजरा घलो की थे। आओ लोकोक्ति मतलब जान रहे हो कि हमारे यहाँ के लोक व्यवहार में जेन सियान मन हमार अनुभव ले देखे रहीन हैं, पाए रहीन हैं, वही सब चीज़ ला देख देख करके एक जगह वो सकेल सकेल के अब जो रख दे जाते जेल बोले रहीन हैं तेला ओला हमन कथन है हाना। और ऐसे का हो इसके लोक व्यवहार में देखे हैं तो कोई खाद पियत देखिन हुई, कोई तैयार हो देखिन हुई, कोई खेत खार में देखिन हुई, कभी पशु पक्षी देखिन हुई, कोई नारी पर्यानी देखिन हुई। ठीक है, कभी झगड़ा लड़ाई देखी सोही, कभी ऋतु मौसम ल देखिन हुई। तो जैसे जैसे देखते रहने कहना चाहिए दिन भर में या चारों महीना आठों महीना बारहों महीना में वही सब चीज़ ला सियान मनहा देख देख के बोला जाएगा है ना। तो उनकर बोली भाषा में तो हाना ऐसने मिले जुले रहा है कुल मिला करके। तो वही ला बाद में धीरे धीरे सब मन पढ़िया लिखा मन एक जगह बोला सब बोला इकट्ठा करत गिन है जिला आज मन पावत हन। अगर कोनो ऐला नहीं सकेलती नहीं झांपी में तो हमन कन्होल पातेन घन रहे। तो महत्व का होते तेल हमन देख डर रहे नौ दिन, का विशेषता है हाना तेरा देख डर रहे हमन हा। ठीक है, और कैसे कैसे होते तेला भी देख रहे हैं। तो अब हमन थोड़ की न देखो दिन काल देख रहे हैं ठोर संबंधी हानल देखे रहे हैं और खेती संबंधी देखे रहे हैं। ठीक है, आज भाग में हमन आप देखो सबसे पहले या पशु पक्षी संबंधी हाना। पशु पक्षी मन मनखे के संगवारी आए तेकरे सेती इकर गुण अवगुण हा घलो हाना के विषय बन गए है। क्या बोलने चाह रहे हैं कि पशु और पक्षी, ठीक है, पशु मतलब गाय बैले सब पशु है और पक्षी मतलब चिड़ई चुरगुना है। ठीक है, तो पशु पक्षी मन हा मनखे के मतलब आदमी मन के संगवारी मतलब दोस्त आए। ठीक है, तेकर सेती इकर गुण और अवगुण यानी उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों घलो हाना के रूप में आ गया है। यानी कि इंसान के साथ में पशु पक्षी ये सब जो होते हैं वो हमारे आसपास के परिवेश में होते हैं और इनसे हम प्रभावित होते हैं, इनके गुण अवगुण को हम देखते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेते हुए हाना जो है हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो अब एक ठन देखते ना मन है दुधियारिन गाय के लात मीठ। ठीक है, अब यहू लकाय देखिन हो ही जिसे दुधियारिन यानी जब गाय है जने रथे बछरू ला तो का करते हैं पहली बछरू लेकर दूध पियाते हैं तब दूध आयल धरते थन में। ठीक है, तहन बछरू डहर बांध देते हैं और गाय दूधेगा दूहनील धर के ऐसे गोड़ में रख के बैठते है ना दूधे। और ये बीच में जब दूध ले निकालते हैं तो गाय लत गुस्सा आवेज कर ही ना कि मोर लैका लोती थे बांध दे है सो दूध लते निकाल के लेगा थस तो का करते गाय है छटारा मारते मतलब पैर में मारते है ना। तो जब वो जो दुहैया रथे राउत या मालिक जौन भी हुई तेन है ओकर लात ला बार बार खाए के बाद भी वो बार बार दुहे बैठ जाते और वो लग दुह के ओकर दूध ला निकालते। तो एला देख के सियान है मन का किन जे गाय है दूध देते तेकर लात है घलो मीठ लगते, लेकिन जे गाय दूध नहीं देते तेकर लात ला काबर कोनो खाही है ना। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास से हमें कोई चीज मिलती है यानी हमको जिससे कोई फायदा होता है, जिससे हमको कहीं कोई काम रहता है या जो हमको कोई ऐसा मदद कर रहा है कोई चीज़ दे रहा है, अगर वो हमको जीवन में गलत बोल देता है या हमारे ऊपर नाराज़ हो जाता है या हमको मार देता है तो भी हमें उसकी बात बुरी नहीं लगती, हमें चुभती नहीं है। ये बात यहाँ पर कही जा रही। तो जिसके अंदर गुण होता है वो किसी को इस तरह से लात भी मार सकता है, लोग लात उसकी खाते हैं, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक ठो ऐसने ढंग के दिखत है सिक्का के टूटती और बिलई के झपटती। अब ये कहो ये संजोग के बात है कि एक ठका है सिक्का है, सिक्का कह रहे थे ऐसे गांव में रहते ना मधाए रहते तो देखे हो तुमन है उमा कह रहे थे दूध दही रखे रहते और भी चीज रखते चूहल बचाना हो तब आलू प्याज लगलो सिक्का में रख देवे और बिलई बचाना है तो दूध दही रखबे। ठीक है, तो दूध और दही पर ही सिक्का रखे जाते रही से तो उसने सिक्का में दही या दूध हमारे हावे और वही लड़का है बिलई ऐसे बुलकत है नीच डहले उत्किम का होते बिलई जाना होते और सिक्का भकाक ले टूट गए नीच डहर आगे। तो एक हो गए कि मतलब बिलई के जाना और सिक्का के टूटना मतलब अचानक ओला वो चीज़ है मिल गए
इसका मतलब क्या हुआ, संजोग से कोई भी काम बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम इत्तफाक कहते हैं कि हम सोचते नहीं हैं कि हमारा ये काम होने वाला है, लेकिन फिर भी हमारा वो काम हो जाता है, जिसे हम एक तरह से तकदीर कहते हैं, भाग्य कहते हैं कि भाग्य अच्छा था कि मेरा ये काम हो गया। जैसे मैं मान लिया देर से निकली, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मैं जबलपुर जा रही थी और ट्रेन के टाइम हो जाने के बाद भी मैं पहुँच नहीं पाई थी स्टेशन में, मुझे आधा घंटा लेट हो गया, मैं वहाँ पहुँची एकदम निराश हूँ कि अब गए, मेरा तो जाना हो नहीं सकता, क्या करूँ। लेकिन स्टेशन जाने के बाद जैसे पता चलता है आज तो गाड़ी जो है पौन घंटे लेट है, तो ये क्या है, संजोग है ना, इत्तफाक है कि मेरे देर से जाने के बाद भी मुझे वो ट्रेन मिल गई, तो इसे हम कहते हैं संजोग, ठीक। हाँ, प्रकृति संबंधी हाना, अब जो हमारे चारों तरफ प्रकृति क्या है, परिवेश, जो हमारे आसपास जो दिखता है वो प्रकृति है, तो प्रकृति से संबंधित हाना भी बने हुए हैं। लोक जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मतलब जुड़े रहे थे, और प्रकृति है लोकले, मतलब लोक जीवन है यानी लोगन के जीवन है प्रकृति में जुड़े हैं, और प्रकृति का है लोकले जुड़े हुए हैं, दुनिया में जुड़े हुए, तेकरे से ती प्रकृति ऊपर घलो कोरी कोरी हाना है, यानी तेकरे से ती तेकर कारण से प्रकृति ऊपर घलो प्रकृति पर कोरी कोरी, कोरी यानी एक मतलब वो 20 की संख्या को हम कहते हैं कोरी, एक कोरी मतलब 20 की संख्या, जैसे एक कोरी केला दो तो 20 केले वो देगा, ठीक है, तो कोरी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 20 की संख्या, तो कोरी कोरी मतलब कई ठन, ये एक वाक्य है कि कोरी कोरी हाना मतलब कई हाना आपको वहाँ पर लोकते सुनने को मिल सकता है। पहला ही है हम देखेंगे, जैसे संझा के पानी बिहनिया के झगड़ा, ऐसे कहे जाते लेका हो कि संझा के पानी यानी जब सांझ किन पानी गिरना शुरू होते तेनहर रात भर गिरते, और बिहनिया कुन जो झगड़ा होते शुरू होते तेनहर दिन भर झगड़ा में चलत रहते, काबर होत हो ही इतने जानत हो, ए पैक होत हो ही कि प्रकृति सोचते शाम के शुरू कर रहे हो तो दुनिया जन मानस मने सूते है तो रात भर में जत का गरजना है बरसना बरत हूँ, ताकि दुनिया काम प्रभावित नहीं हो ही, है ना, सब बवैया जग मन सूते ते पैक होत हो, ये प्रकृति भाई। लेकिन झगड़ा काबर होते जब सुबह सुबह मैं झगड़ा शुरू करे हों या मैं देखत हूँ, तो दिन भर तो घर में बैठे हन कहना चाहिए, कमैया काम में गे है नहीं गे, कुछ नहीं मूड खराब अगर कम हम नहीं गीस, तो वो दिन भर तक वो याद कर करके कार कर करके काहे वो लड़ाई है, एक एक कन उकेरत रही और लड़ते रहे। लेकिन रात में अगर झगड़ा होती सका होती सबो जन सुत जतीन सबो परानी मन है, एक घंटा लड़ती न सुतीन कले चुप तो झगड़ा बंद हो जतीस। लेकिन जो आज सुबह शुरू करे है, जैसे कोई लेडी है मतलब औरत है वो झगड़ा शुरू करी, झगड़ा पता खत्म हो गए, ओकर बाद इन्हें दो महिला के बीच में है झगड़ा हुई, ओकर थोड़ी देर बाद पता चली आदमी मन घर में रही अन तानो मन दोनों को अपना अपना आदमी बताई तानो मन झगड़ा हुई, एक बार आदमी मन के हुई ओकर बाद घर में कोई तीसरा आदमी 16 पता चली झगड़ा हो गए तान फिर एक परत के निकल ही, तो ऐसे निकल के घेरी बेरी बस लड़ाई चला रहा थे। ए पैक के कहे गए कि संझा के पानी और बिहनिया के झगड़ा, अगर सुबह जो है लड़ाई अगर कोई आदमी शुरू करता है तो वो दिन भर चलता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि किसी भी काम को यानी सुबह जो है हम कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो और दिन भर का हमारा काम भी प्रभावित हो जाए। इसलिए कहते हैं सुबह सुंदर उठना चाहिए, सुंदर काम करना चाहिए, हंसते बोलते रहना चाहिए, दैनिक दिनचर्या से निपटना चाहिए और फिर अच्छे मन से अपने काम की शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। अगला हम देखबो कि हफ्ते बन के पथरा आओ फोरे घर के सील, है ना, सील भाई सील नहीं, तो हफ्ते बन के पथरा एक ठन फिर अनुभव बताए जाते कि कोनो आदमी ऐसे कि कहाँ चो जात रही से और जात जात रास्ता में का हो गए एक पथरा रही से वो पथरा में हपट गए, कैसे हपटी सोई काबर उकर ध्यान नहीं रही सोई ते पैको हपटी सोई, अब हपट तो गए ठीक है लेकिन ओकर गुस्सा नहीं दिखे इस पथरा के, अब फोरे घर के सिल जब घर में ही तब सिल पत्थर लपट कर थे तो का हो ही भाई ते दूसरा आन पत्थर में हफ्ते हस और आन पत्थर फोरबे तब कैसे हो ही, कोई मतलब के न हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि कहीं बाहर जा रहा था और उससे कहीं कुछ गलती हो गई और वो गिर पड़ा या जो भी है कहना चाहिए उसको आकर घर में उतारना, मतलब एक के गुस्से को दूसरे पर उतारना ये स्वाभाविक है बच्चों जीवन में आपको देखने मिलता है। जैसे पापा जी होते हैं घर में, है ना, पापा जी ऑफिस से आते हैं, ऑफिस में उनको डांट पड़ी है या किसी से उलझ गए हैं या बहस हो गई है रास्ते में किसी के साथ में, मूड उनका खराब है, आते ही घर में किस पर उतारेंगे, बाल बच्चों पर ही उतारते हैं, देखते हैं आपने, ठीक है। या आप क्लास में किसी से लड़ पड़े हैं आए हैं घर में तो आप किस पर उतारेंगे, छोटे भाई बहन पर उतारेंगे, तो ऐसा होता है,
ठीक है, या मैं घर में कहीं से लड़ पड़ कर जा रही हूं तो जाके मैं कहां उतारूंगी, स्कूल में। ठीक है, तो यहां अर्थ क्या निकल रहा है कि हम कारण कुछ और रहता है, समझने की कोशिश करिए, कारण कहीं और होता है, कुछ और होता है, लेकिन हम उसका प्रतिफल दूसरे को देते हैं या दूसरे जगह अपने गुस्से को उतारते हैं। ठीक है, अंग संबंधी हाना, अब शरीर को लेकर के भी हाना बना हुआ है। ठीक है, मनखे के अंग संबंधी हाना घलो लोक जीवन में सुनेला मिलते, यानी इंसानों के शरीर से संबंधित हाना भी इस जीवन को सुनने को मिलेगा। ठीक है, कैसा होगा, मुड़ के राहत ले माड़ी में पागा नहीं बंधाए जेला में है। शुरूच में तुम्हारा बता रहे हूँ पहले या दिन के पाठ में कि एकर मतलब का है कि सियान के राहत ले लड़का के सियानी नहीं चले, यानी कोई ऐसा घर नहीं होगा बच्चों जहाँ पर बड़े बुजुर्गों के रहते बच्चों के हाथ में बागडोर घर के दे दिए जाए। इससे क्या होगा पता है कि जैसे बड़ा कोई है और पागा, भाई बड़ा है तो बड़े के हिसाब से वो पागा होगा ना जी, पागा का मतलब क्या है, एक इज्जत है, एक जिम्मेदारी है। तो बड़ा इंसान अगर घर में है तो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि क्या होगा कैसे होगा, कोई छोटा बच्चा डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए कि हम बड़े जो है उस जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार का धैर्य होता है, हमारे पास अनुभव होता है, लेकिन छोटों के पास वो अनुभव नहीं होता है। अनुभव बहुत मायने रखता है बच्चों, देखिए पढ़ना लिखना एक अलग बात है और अनुभव जो है दूसरी बात है। शुरू में मैंने बताया था पहले दिन के कालखंड में कि शहर के लोगों की बोलचाल में हाना लोकोक्ति का प्रयोग बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो ग्रामीण परिसर के लोग होते हैं ना उनके बात बात में जबान पे जो है हाना जो है वो थिरकता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं और उनके पास देखने के लिए वक्त भी होता है, लेकिन शहरी जीवन के व्यस्ततम लाइफ यानी जीवन में चलते हुए इन सब के लिए सोचने समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है, और जिनके पास होता है वो लेखन में जुट जाते हैं, तो ऐसे मुखरा साहित्य को संजोने में हम उसमें नहीं जुड़ते हैं। तो आप गांठ बांध दीजिएगा कि बड़ों के रहते छोटों को जिम्मेदारी न तो दी जाती है और न ही दी जानी चाहिए। मूल्य बड़े पागा, अब ये एक तरह से मजाक ही कहना चाहिए कि मूल्य बड़ा, नियम की बात भी है कि जतका बड़ मूल नहीं है उतका बड़ पगड़ी है। कुल मिला के मात ये है कि सिर का आकार छोटा है और पागा जो है वो क्या है, बड़ा है, पागा ने पगड़ी। ठीक है, पगड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो पागा जो है वो सिर के आकार का होना बहुत ज़रूरी है। फिर से वही बात हो गई कि किसी भी चीज़ की, एकर मतलब है कोनो जिनिस के महत्तम ल जरूरत से ज़्यादा बताना, मतलब कोई आदमी जबरदस्ती उसके महत्व को ज़्यादा बताता हो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं दूसरे ढंग से इसको लूँगी कि मेरा सिर जितना बड़ा है मुझे पागा उतनी बड़ी चाहिए, यानी मैं जितने उम्र की हूँ उसी हिसाब से मुझे जिम्मेदारियाँ चाहिए, अगर उससे बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दोगे तो मैं उसे निभा नहीं सकती। इसलिए पगड़ी की साइज़ यानी जिम्मेदारी का साइज़ जो है वो इंसान के बराबर होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ना घर बनाना है, तो घर बनवाने का काम कोई बच्चा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, वो बड़े बुजुर्ग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है कि रेती कैसे होगा, ईंटा कैसे होगा, गारा कैसे होगा, कितना इंच लगेगा, कैसा होगा, कहाँ दीवार होगी, कहाँ उसका वो दरवाज़ा लगना है, कहाँ से नल की पाइप जाएगी, कहाँ लाइट लगने वाला है, कौन सा रूम होगा, ये सारी बातें बड़े बुजुर्ग ही तय कर सकते हैं। छोटा बच्चा समझ ही नहीं सकता, उनको पता ही नहीं है कि पानी की निकासी किधर से जाने वाली है, किस दिशा में हमको क्या करना है, हमारा वास्तु क्या कहता है, ये बच्चा कैसे जानेगा। कम उम्र का इंसान शायद को ये खात हो सकते हैं, जैसे उंगलियां बराबर नहीं होती हैं वैसे इंसान की क्या है, बुद्धि भी बराबर नहीं होती है, लेकिन किसी एक की बात यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर हम पूरे की बात कर रहे हैं, आम लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में कि हम अपने उम्र के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से पगड़ी बांधें यानी दायित्वों को निभाएं। अब देखन घर परिवार संबंधी हाना, हाना के विषय विविध है जिनमें घर परिवार नता रिश्ता के गोट घलो समायरी थे, जैसे हणिया के मूल परी मा तोपे मनखे के मुँह में काला, एकर सोज सोज अर्थ है हर मनखे बोले बर स्वतंत्र है, निंदा करे वाला कौन रोक सकत है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये बहुत महत्वपूर्ण हाना है कि हणिया के मूला मतलब हाना विविध है जिम घर परिवार, यानी अब ये घर से संबंधित है। कैसे कहा थे, हड़िया, हड़िया मतलब मटकी,
के मुंह में, मतलब उसके सामने मुंह पे परई, परई मतलब उसको ढकने का आता है, जैसे प्लेट बोलते हैं ना हम, अगर गंजी मेरे पास है तो प्लेट ढकते हैं ना, किसी भी चीज को ढकना पड़ता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके लिए ढक्कन बना हुआ है, पहले से तय है। कढ़िया है तो ढकने का है, मटकी है तो ढकने का है, ठीक है? अगर गुंडी है तो ढकने का है, ठीक है? कोई भी चीज है उसके ढकने की, कटोरी है तो ढकने के लिए कटोरा, ठीक? रखते ही रखते हैं, तो सामग्री बनी रहती है ताकि कोई चीज खराब ना होने पावे। ढकने का मतलब क्या है? उसकी सुरक्षा। तो आप किसी बर्तन को ढक सकते हो, सामान को सुरक्षित रख सकते हो, लेकिन मन के मुंह मा काला ढांक बे, ये बड़े बुजुर्ग मन की थे, कमा ढांक बे, वो कैसे ढांक बे? एकर मतलब का होते कि ठीक है, इंसान स्वतंत्र है बोले बर, लेकिन कुछ भी बोल दे का, और बोलते सही बातें, तब मन के मुंह ते तोपेल नहीं सकस। बच्चों यहां पर ये गूढ़ अर्थ बताया जा रहा है कि किसी बर्तन में रखी सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए आप उसको ढक्कन बंद करके रखोगे, लेकिन जो हमारे आसपास के परिवेश में जो इंसान होते हैं उनके पास एक मुंह है, और मुंह के लिए कोई ढक्कन नहीं होता। और कोई भी आदमी इस स्वतंत्र परिवेश में किसी भी प्रकार की वाणी का इस्तेमाल कर सकता है, बोल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करें कि लोग हमें देख करके बातें करें, और बातें करेंगे तो क्या हुआ, गलत बात करेंगे, और गलत बात के लिए हम जवाब देना शुरू करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा होगा तो क्या होगा, आपस में हमारा संबंध जो है वो खराब हो जाएगा। तो इंसानों के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें सही सलामत रहना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि लड़कियां हैं तो इतने देर में मत जाओ, लड़के हैं तो भी देर रात तक मत रहो, लड़कों को ऐसे संभल के रहना चाहिए, थोड़ा मांस मदिरा से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हमारे संत महात्माओं ने कहा, हमारे घर के लोगों ने भी कहा, बड़ों के साथ में विरुद्ध आचरण नहीं करो, जवाब ज्यादा मत दो, क्योंकि कोई सुनेगा, इनके घर का बेटा बाप को जवाब देता है तो पूरी गली मोहल्ला में बात फैल जाएगी, बेइज्जती होगी, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं। तो यहां पर यही चीज कहा गया है कि आदमी कोई चीज को देखता है तो बहुत जल्दी उसको बोलता है, क्योंकि उसके पास मुंह है, जबान है, तो उस जबान को निकल जाने के बाद आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, उसके अर्थ को आप बदल नहीं सकते। इसलिए आप अपने जीवन में थोड़ा संभल करके और अच्छे से रहना सीखो। चलनी में दूध है और कर्म ला दोष दे। अब फिर एक समस्या देखिए कि चलनी, चलनी आपने देखा, ये हम आपको दिखा रहे हैं चलनी। तो ये जो चलनी है, चलनी में छेद छेद आप देख रहे हैं ना, अब वो चलनी में वैसे ही छेद है, अब उसमें तुम दूध रखोगे तो क्या दूध वहां टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो एकर काय मतलब होते, अंते के तंते काम करना और कर्म ला दोष देना। तो अंते तंते मतलब इधर उधर, इधर उधर उल्टा सीधा काम करोगे और तुम दूसरे को दोष दोगे तो कैसे काम चलेगा? जैसे एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी को क्या है, अपने विषय को निश्चित तौर से पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए कि कैसे पूछा, मतलब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कितना देर उनको पढ़ना चाहिए, किन पॉइंट्स को पकड़ना चाहिए, कैसे उत्तर लिखे जाने चाहिए, कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, इन सब को पहले बच्चे को जानना होगा। परीक्षा के पहले तैयारी करते हैं ना टीचर के साथ में कि 50 शब्दों में उत्तर दो तो हम 50 शब्द में लिख पाए। मान ले जाए 50 शब्द का उत्तर लिखने के लिए कहा जा रहा है, जैसे मैं एक बात करूं का आपको कहते हैं कि आप क्या लिखिए, ऐसे लिखिए, चलिए मैं बात करती हूं, निबंध, निबंध लिखने के लिए कहते हैं, 8 नंबर का निबंध है, और आपको बता दिया कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो। आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना शुरू करते हो तो प्रदूषण के केवल कारण को लिख रहे हो कि हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, फलाना प्रदूषण, आपने केवल प्रदूषण के कारण को बताया है, जबकि आपको क्या लिखना था कि पर्यावरण क्या है, फिर प्रदूषण क्या है, फिर दोनों को मिला के अर्थ, फिर ये कब से था, क्या वैदिक जमाने में पर्यावरण प्रदूषित होता था, नहीं होता था, आज किस प्रकार से है, फिर कारण क्या है, फिर निदान क्या है, फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, सरकार इसमें क्या कर रही है। 9 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब आपका एक एक नंबर एक एक पॉइंट में आएगा, पर आपने क्या लिखा है, केवल कारण को लिखा है, तो केवल कारण लिखा इसलिए आपने कितने नंबर का लिखा है, 1 नंबर का उत्तर आपने लिखा है, तो नंबर कितने मिलने चाहिए आपको, 1 नंबर, ठीक। और आप घर में आके बताते हैं, घर में मैंने तो ऐसा निबंध लिखा, मेरा 3 पेज में है, आपके 3 पेज का 3 नंबर का नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है। फिर जब आप देखते हो कि नंबर आपका कम हो गया, आपने सोचा था 33 मिलेगा, आपको मिल गया 28, क्योंकि आपका सारा नंबर निबंध में कट गया, तो आप क्या कहते हो, फिर कर्म को दोष देते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया था,
चलनी में दूध दुह लिया था, मतलब आपको पता नहीं था कि आप गलत कर रहे हो और आपने दोषारोपण जांचने वाले पर किया है, पेपर जांचने वाले को, ठीक है। तो किसी काम को करने के लिए पहले आपको एक रणनीति बनानी पड़ती है बच्चों, एक समझ बनानी पड़ती है और उस समझ के साथ आपको काम करना होगा, तब आपको उसका प्रतिफल सही मिलेगा। नीति संबंधी हाना, जिंदगी में नीति नियम के बड़ महत्तम है। ये नीति नियम है लोक जीवन में देखे बर मिलते, नीति संबंधी हाना है जिंदगी बर उपदेश के काम करते। अब का कहते कि इस जीवन में नीति और नियम के बहुत महत्व हैं, इनको हम लोक जीवन में हमेशा देखते हैं, ये लगातार हमको मिलता रहता है। और नीति नियम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने बहुत पहले शुरू में आपको पहले पार्ट में एक चार लाइन की पंक्ति जो मैंने बताई थी ना, वो इससे संबंधित है कहना चाहिए। अब यहाँ पर आ रहा है जो आप देख लीजिएगा, ये जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं, रिस खाए बुध, बुध खाए परान, मतलब माने गुस्सा करे मां बुद्धि सिरा जाते और बुद्धि सिरा जाए तो मनखे परान घलो गवा डरते, ठीक है। का कहना चाह रहे हैं यहां पर कि लिखा हो कि यह ये कहा थे कि जब आदमी गुस्सा होते तो गुस्सा होते ना तो गुस्सा के मारे ओकर जत का ज्ञान रोते ना वो पूरा चारों ढार तितिर बितिर हो जाते और तितिर बितिर हो में आदमी प्राण घलो खा चल देते। क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंसान जब क्रोध में रहता है तो क्रोध में आने के बाद वो निर्णय सही नहीं ले सकता और सही निर्णय नहीं लेने के कारण कई बार उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, आपने रामायण रामचरितमानस सुना ना, आपने रावण की कहानी सुनी ना कि रावण ने क्या किया था, आपको पता है ना, रावण की बहन थी शूर्पणखा और शूर्पणखा ने क्या किया था, राम और लक्ष्मण के पास जंगल में गई थी और जाकर के उन्होंने उनको देखकर बहुत प्रसन्न होने के बाद कहा था कि मैं पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। लेकिन आपको पता है ना कि शूर्पणखा के नाक कान काट करके राम लक्ष्मण ने भेज दिए। जब रावण को पता चला कि जंगल में रहने वाले दो नवयुवकों ने मेरी बहन के दुर्दशा की तो मारे क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि मेरी बहन की जो दुर्दशा इस तरह से की है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। शूर्पणखा ने बताया उनके साथ एक नारी भी है, तो रावण ने कहा यह बात है तो नारी का बदला नारी से, मेरी बहन के नाक कान काटे मैं उसकी पत्नी को भी इसी तरह से सताऊंगा। और हुआ क्या, रावण ने सीता का हरण कर लिया। तो क्या हो गया, गुस्सा मतलब अपनी बहन की सुरक्षा के प्रति आक्रोश, जैसे गुस्से ने रावण की बुद्धि को क्या कर दिया, हर लिया। उन्होंने सोचा नहीं कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूं और सीधा वो दूसरा वेश बना करके वो वहां चले गए और सीता को लेकर के आ गए। क्या हुआ, आप सभी जानते हैं, दशहरा आप मनाते हैं, रावण वध आप करते हैं, तो सीता के कारण से अंततः रावण का वध हुआ। न रावण सीता को लेके जाते और न रामचंद्र जी को लंका तक जाना पड़ता, न पुल बनाना पड़ता और न उन्हें मारना पड़ता, क्योंकि बिना मरे रावण सीता को देंगे नहीं वापस, मुश्किल ये थी। तो ये बहुत चीज पते की बात कह रहे हैं, ये मैंने उदाहरण आपको धर्मशास्त्रों से लिया। यही हमारे ऊपर भी होता है कि हम गुस्से में घर से निकलते हैं, मान लीजिए हमको मम्मी पापा ने डांट दिया, हम निकले घर से गाड़ी की चाबी उठाए और गुस्से में हम चला रहे हैं, हम दिमाग हमारा कहीं और चल रहा है और उससे क्या होता है, पीछे वाला आया ठोंक के निकल गया, हम गिर गए और सीधे पहुंचे मेकाहारा और वहां हो गया कि पट्टियां बंधी हुई और 3 दिन बाद मुझे मृत घोषित कर दिया गया या मेरी टांग टूट गई। तो ऐसा होता है, तो इसलिए कहते हैं कि रिस खाए बुध और बुध खाए परान, यानी गुस्सा जो है आपकी बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि जो है आपके प्राण को भी ले सकती है। अब हम देखेंगे जो प्रथम कालखंड में मैंने आपको एक कविता के रूप में आपको सुना दिया था कि बोए सोन जामय नहीं, मोती लूरे न डार, गए समय बहुरे नहीं और खोजे मिले न उधार। मैंने उस दिन कहा था कि इसमें चार पंक्ति हैं कि बोए सोन जामे नहीं, मतलब अगर आप कभी सोन को यानी सोना को जमा देते हैं, जमा देते हैं मतलब बोते हैं, बोना मतलब जमीन में खोद करके उसको बीज डालना, तो सोने का बीज बना करके आप उसको जमीन में यदि डाल भी देते हैं तो क्या वो उगेगा, नहीं उगेगा, क्योंकि वो बीज नहीं है। और नहीं मोती लूरे न डाल, तो जब सोन जमीन में बीज के रूप में बाहर अंकुरित होगा ही नहीं पौधे के रूप में, तो उसमें मोतियां फलेंगी कैसे, तो मोती उसमें लग नहीं सकता,
यानी न तो सोन जो है बीज के रूप में बाहर निकल करके पौधे के रूप में आ सकता है और न ही किसी डालियों पर मोती जो है वो फल के रूप में लग सकता है। ठीक उसी प्रकार से बीता हुआ समय जो है, गए समय, गए यानी गे, गे यानी बीत गया, ऐसा समय बहुरे, बहुरे मतलब बहुरना यानी दोबारा मिलना, नहीं नहीं मिलेगा, खोजे मिले न उधार। और जब समय आता है तो आपको उधारी कुछ भी नहीं मिलता। फिर से ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ी साहित्य के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमेशा हम दीपावली के समय में यादव लोगों के मुंह से सुनते हैं। बच्चों आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो इसका बहुत गूढ़ अर्थ है कि हम उन्हीं चीजों को धरती के अंदर डाल सकते हैं, यानी धरती में वो ताकत नहीं है ऐसा नहीं है, धरती उपजाऊ है लेकिन उसी चीज को वो पैदावार के रूप में दे सकती है जिसकी जिस बीज में ताकत है जमीन से बाहर आने की। ध्यान दीजिएगा, हम धरती को नहीं कहेंगे, जैसे रत्नाकर में रत्न होते हैं लेकिन डुबकी लगाने से एक ही बार में रत्न निकल जाए ऐसा नहीं है, यह भी आपकी लोकोक्ति है। वैसे ही धरती में कोई भी चीज डाल दो और कोई भी चीज को बाहर निकाल दे संभव नहीं है, उस बीज में ताकत होनी चाहिए। जिस बीज में ताकत होगी, जो बीज बाहर निकल करके आ सकता है, वही बीज धरती से बाहर निकल करके आएगी, ठीक है। और जो चीज फलने लायक है डालियों में वही चीज फलेंगी, कोई रत्न हीरे मोती जवाहरात फल नहीं बन सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं, इसलिए अपने को कल्पना नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर मेरे जीवन से मेरा बहुमूल्य समय नष्ट हो गया है बच्चों, तो वापस मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जीवन या मेरे जीवन में मेरा समय जो है पल पल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कहना चाहिए, और एक एक पल का मुझको सदुपयोग करना चाहिए। अगर मैंने सुबह उठने की मेरी आदत है तो सुबह उठ करके मेरी दिनचर्या सही होनी चाहिए, दिन भर में मुझे क्या क्या करना है पता होना चाहिए, दिन भर के टास्क को मुझे देख करके चिन्ह लगाना चाहिए कि हाँ मेरा ये काम हुआ। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको चाहिए कि आपके पास माल जाए, आप 8th क्लास में हैं या 6th क्लास में हैं, 6th क्लास में है तो आपके पास 6 विषय है, आप सुबह उठ करके आप क्या करेंगे, कैसा करेंगे, नित्य दैनिक दिनचर्या को आप पार करेंगे, करने के बाद में फिर आप जो है पढ़ने के लिए बैठ स्कूल जाएंगे, स्कूल से इतने देर में आएंगे, आने के बाद आप घर में क्या करेंगे, कुछ जो जो आपका काम है वो आपको करना है, फिर पढ़ने के लिए आप टाइम निकलेंगे इतने से इतने घंटा, ये इतने से इतने घंटा, इतने घंटे, ये नहीं है कि आप केवल पढ़ते रहेंगे, आपको घर के कामों में भी मदद करना होगा। और घर में कई बार ऐसा होता है ना, माँ झिकती रहती है पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे, लेकिन आप नहीं चाहते हो, तो ये जो समय एक बार चला जाएगा वो नहीं आएगा। मेरे परीक्षा देने के बाद मैं सोचती हूँ कि मेरा पेपर बिगड़ गया, क्यों बिगड़ा, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो बाद में मुझे केवल पछतावा के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है, मुझे फिर से वो समय नहीं मिलेगा। 6वीं पढ़ने के लिए मुझे दोबारा 1 साल मिल सकता है, एक ही साल बच्चों, लेकिन अब किसके साथ बैठोगे, छोटे बच्चों के साथ में, ठीक है, आपके दोस्त यार आगे निकल गए हैं, तो बहुरे नहीं, जो समय एक बार हाथ से चला जाता है वो वापस आपको नहीं मिलेगा। और जीवन में पैसों को आपको संभाल के रखना पड़ता है, जितना आप कमाते हैं, यदि दिन भर में आपकी 200 रुपए की कमाई है तो कम से कम उसमें से 50 रुपये आपके पास जमा होनी चाहिए, चाहे 150 आप खत्म कर दें, क्यों, क्योंकि कब आप बीमार हो जाएंगे, कब बच्चों को जरूरत पड़ सकती है, कब पत्नी को जरूरत पड़ सकती है, कब मुझे जरूरत पड़ सकती है, कब मेरी माँ को जरूरत पड़ सकती है, तो जब मुझे जरूरत होगी मुझे कौन देगा, क्योंकि आप फक्कड़ हैं तो सामने वाला भी फक्कड़ हो सकता है ना, तो आपको मदद कौन करेगा और क्यों करेगा, सवाल ये उठता है, वो क्यों करेगा, आप क्या दे दोगे उनको। तो आप अगर किसी से उधार मांगते हो, उधारी को क्यों दे दोगे, आप देखते हैं ना सेठ साहूकार जो होते हैं धीरे 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 पैसे वाले होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनको वो चीजें मिलती हैं। जैसे मैं उधारी लेने के लिए जाऊंगी तो बोलेंगे क्या दोगे इसके बदले, भाई कोई चीज तो मुझे चाहिए उनको जमानत में, मैं बोलूंगी मेरा घर है, वो घर को गिरवी रख लेंगे तब मुझे पैसा देंगे, और जाहिर है मैं पैसा कमा नहीं सकती तो ये घर सामने वाले का हो जाएगा और मैं बेघर हो जाती हूँ। गहने वगैरह हैं, मैं गहन में रखती हूँ, वो हाथ वापस आना नहीं है क्योंकि उसमें ब्याज चढ़ेगा, तो उधारी में कोई भी व्यक्ति नहीं देगा। आप किसी को भी जमाने में मांग कर देख लो, जो आपका एकदम सगा मित्र भी होगा तो आपको नहीं देगा, आप पैसे के लिए जाइएगा कि अगर कोई दे देगा तो वो बहुत बड़ी बात है कहना चाहिए, है ना। आप जाते हैं कोई भी कहेगा 5,000 मांगेंगे, बोलेगा अरे कलेज कहे कलेज में एक झन देगा, आते बता दे रहे पहले तेत हो जा रहती, कोई बोल रहा है अरे कॉलेज सांझ किन लगी सगा मेद अब भी ते है हम सुबह बता था वही पहले के ही रहते, कोई कहा था कि बैंक से मैं कल ही निकाल के ये कर दिया हूँ, यानी तरह तरह की बातें आती है, लोग बहाना मार देते हैं लेकिन आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो मित्र भी होगा तो भी नहीं करेगा, और शायद करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपने पैसे के लिए बाद में अपने को घूमना पड़ता है।
तो उधार कोई भी आदमी देना नहीं चाहता है सिवाय सेठ साहूकार के। और यदि हम सेठ साहूकार के पास जाते हैं तो समझ लीजिए, जिनके घर में बेटा उधारी या ऋण आ गई वो ऐसा मेहमान है, वो जीवन में कभी नहीं जाएगा। इसलिए उधारी जीवन में कभी नहीं लेना, इस हाना में आपको बताया गया है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी बातों को यहाँ पर देख लिया, घर से संबंधित, पशु पक्षी से संबंधित, आचरण व्यवहार से संबंधित, जीवन यापन से संबंधित, शहर गांव से संबंधित, और भी बहुत सारे हाना हैं बच्चों। तो बच्चों छत्तीसगढ़ी साहित्य में अतकेच नहीं हाना औ कतकोन किस्म के हावे, जैसे जात संबंधी हाना, समाज संबंधी हाना, धन सिक्का संबंधी हाना, हंसी ठिठोली संबंधी हाना, एला हम अपन भाषा व्यवहार में हमला बोलना चाहिए। का कहना चाहते लेखक मंडल है कि जतका का हमन पढ़े हन सात सात प्रकार में अतकी चकन नहीं है लेका हो, दुनिया संसार में अतका पराणी है, किस्म किस्म के हाना सुने हो ही, बोले हो ही, जानत हो ही, जिन्हें मोटा मोटा पुस्तक में धराए हो ही कहने चाहिए, मोट मोट पुस्तक में तसबोल हमन पढ़े तो नहीं जानन, लेकिन हाँ अतका हमन ला चाहिए कि हमन अपन व्यवहार में एकर प्रयोग दिन भर करन। एकर से कहा होते हमार भाषा सुंदर सुघर सुघर हो जाते है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हाना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना हमने पढ़ा है केवल उतने नहीं हैं, इफ़रात भरे पड़े हैं। यदि आपको कहीं से मिलता है तो आप उसका प्रयोग अपने जीवन में करिए, मतलब अपनी अपनी भाषा में आप करिए, यही इस पाठ का मैसेज है। ठीक है, अब गृह कार्य में हम देख लेते हैं कि वो दुधारू गाय की लात भली बोले है ना, तो दुहना गाय ले दुहना। ठीक है, तो दुहना क्रियाए, ये माटिक दुहना की बात नहीं भाई, ध्यान देना। दुहना मतलब माटी के भी दुहना होते, दुहना मतलब गाय भी दुहना होते, तो ये मैं गाय के दुहे की बात करते हैं। दुहना एक क्रिया है, दोहन करना मतलब दुहना, यानी किसी चीज को बढ़ाना। इसी ढंग से पाठ में, यानी यही ढंग से पाठ में आए तीन ठन क्रिया शब्द ला खोजाओ और अपन वाक्य में प्रयोग करो। मतलब खाना पीना, उठना जाना, गिरना बैठना, ये सब वो क्रियाए। ऐसने ढंग की क्रिया ये पाठ में जतका के नाय होई तेल तू मन निकालत रहो भैया। ठीक है, दूसरा यह है खाले लिखाए शब्द मनला ना प्रत्यय जोड़ के नवा शब्द बनावाओ और वाक्य में ओला प्रयोग करो। जैसे किसे करना है मैं एक ठनला बता देता हूँ, बाकी तुमन तीन ठनला करो भाई। जैसे लहुट शब्द है, लहुट में ना लगा देना है आप मनला, तो का बन जही लहुटना। ठीक है, मतलब लहुट शब्द में आप ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लहुटना। जैसे पलटना, लहुटना हिंदी में पलटना, पलट में ना पलटना। खाले लिखाए शब्द मन के दो दो ठन पर्यायवाची शब्द लिखाओ, पर्यायवाची तो मन जाना तो अगर एक शब्द ला वैसे ढंग से दूसरा बोलते थे लगते, जैसे मनखे, मनखे कहा था मानुष घलो कथे, मानव घलो कथे है ना, मन से घलो कथे, तो काका कथे, वैसे ढंग के पर्यायवाची ला तुमन सबो ठन शब्द के लिखत रहो। ठीक है, ये सब ला तुम्हें करना हवे। खाले लिखाए शब्द मन के उल्टा अर्थ वाला शब्द घला लिख डलो एक कनी। अब जैसे सियान है, संगवारी है, नान नान, बिहनिया, अब सियान, सियान के उल्टा लिखो तो का होगी, लइका। जैसे तू मानो तुम्हार उल्टा का होगी तो सियान। ठीक है, हाना के हमार जिंदगी में का महत्तम है, ए विषय ऊपर 10 वाक्य में अपन विचार लिखाओ और 10 ठन हाना सकेल के अपन कापी में लिखाओ। ये महत्वपूर्ण है लइका हो। नीचे वाला है कि हाना हमार मन के जीवन में कतका महत्तम रखते, यानी हाना हमारी जिंदगी में कितना महत्व रख करके चलता है, इसको आपको देखना है, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। वैसे तो मैंने बता दिया है क्या क्या महत्व है पहले पाठ्यक्रम के अंतर्गत, पहले पाठ में है ना, उन सबको आप एग्जाई करिए, मतलब मिलाइए, और थोड़ा अपने विचार को भी उसमें डालिए। कोई ज़रूरी नहीं है जितना मैंने आपको बताया है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा महत्व हो सकता है, आपको अगर लगता है तो वो भी आप उसमें लिखिए। ठीक है, और 10 ठन हाना सकेल के लिखो, लेकिन ये पुस्तक में तेन हाना नहीं लिख रहे हैं भाई, और बाहर कोनो कोनो सियान मतलब पूछो अरे एक ठेक एक ठन हावे, जिसे एड़ा बन के पेड़ा खाए से कथना, बात बात में की थे जाने, एड़ा बन के पेड़ा खा मतलब का होते, कि बढ़िया मस्त बने रहो, बढ़िया अच्छा अच्छा खात रहो, काम धंधा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वैसे टाइप के जैसे सियान मन कर जाबे ना, वो है बात बात में ठन हाना ला मुँह लुकर मतलब झरत तुमन देखू और ओला इकट्ठा कर लूँ, और नहीं बल थोही ढोला पूछू और पूछ के इकट्ठा करूँ, अलग 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 10 जन मन है, अगर 10 जन लिखा क्लास में तो 10 ठन लू तो 100 ठन हाना हो जाई, और सब बोला का करो तुमन है अपन गुरु जी पूछू, नहीं बताही ना तब मोला बताहू। ठीक है, आप सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने इस हाना पाठ को भाग एक और भाग दो के माध्यम से
पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया और हाना को आपने समझ लिया होगा कि हाना हमारे मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम इन शब्दों का प्रयोग करके चलते हैं। देखिए होता क्या है बच्चों कि केवल हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में भी कई तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन बात करते करते हम अपने शब्दों को सुंदर बनाते हैं। देखिए इंसान सुंदर होता है, अपने आप को सजाता है, है ना, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा रंग पहनता है, अच्छी चूड़ियाँ, अच्छी बिंदी, इस तरह करते हैं ना। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है तो हमें उसे भी संवारना पड़ता है कि हम किन शब्दों का प्रयोग करें, किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, है ना। तो जैसे जैसे हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं यानी शब्द निकलते हैं वैसे वैसे हमारी गरिमा में भी वृद्धि होती है, यानी हमें जाना जाता है और पहचाना जाता है। आप लोग भी बोलते हैं ना कितना अच्छा बात करता है, क्यों बात करता है, क्योंकि उसके पास वो शब्द है, वोकैबुलरी है। तो आप भी ऐसा ही प्रयास करिए, अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़िए, पुस्तकों को पढ़िए, देखिए, लोगों के बीच में रहिए, उनकी भाषा को सुनिए, है ना, पेपर वगैरह को पढ़िए, आपको ये सारी चीज़ें यत्र तत्र सर्वत्र यानी यहाँ वहाँ सभी जगह आपको बिखरी पड़ी मिलेंगी। जो नहीं जानते हो बड़े बुजुर्गों से पूछो, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर कह ली आपके साथ और आपने सुना, मुझे यकीन है आप सभी समझ लिए होंगे। और अब हम अपने पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी के लिए शुभकामना है कि आप दीर्घायु रहें, चिरायु रहें और स्वस्थ रहें, ठीक।